ओम शांति। 12/8/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता में बहुत सुख है। जितना आप चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, अंदरूनी एनर्जी भी बढ़ेगी, फिजिकली एनर्जी भी बढ़ेगी और समय की भी बचत होगी और आप बहुत ही शक्तिशाली बनते जाएंगे। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है, योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है, इसलिए अंतर्मुखी बनो। क्वेश्चन, किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? आंसर, श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ ना बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। जितना याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए विशेष क्या है, कौन सा समय है? अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। गीत, तूने रात गंवाई सोई के, ओम शांति। ये कौन समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ ना बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो? किसने समझाया? बाप बच्चों को कहते हैं, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, राम राम आदि तो बहुत कहते आए, परंतु उस कहने से भी मनुष्य पावन नहीं बन सकते। मनुष्य पति से पावन तब बन सकते हैं जब पतित पावन बाप की श्रीमत पर चले। पतित पावन कहने से बाप याद आता है, तो बाप कहते हैं कि तुम बरोबर पतित थे ना, अब तुम पावन बन रहे हो। सत्युग में कोई पतित होता नहीं। 5000 वर्ष पहले जब भारत पावन था तो एक ही धर्म था, बाप तो सुख की ही सृष्टि रचेगा ना। भारत सुख धाम था, लक्ष्मी नारायण, राम, सीता आदि के मंदिर सत्युग त्रेता की निशानी हैं। सत्युग में बरोबर लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। यही भारत था जिसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य चलता था, जो अब फिर से स्थापन हो रहा है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये मनुष्य ही तो जानेंगे ना, मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। बाप को जानने के लिए कितने धक्के खाते हैं, परंतु जान नहीं सकते। तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते हैं। पहले परिचय नहीं था तो इसका परिणाम क्या हुआ? ऑर्फन, नास्तिक, निधन के बन जाते हैं। बाबा को ना जानना, स्वयं को ना जानना, तो ना जानने से ऑर्फन, नास्तिक, निधन के बन जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो, बड़ा भारी वर्षा है। कितना? 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती है। कोई कम बात है क्या? 21 जन्मों के लिए तन, मन, धन, जन, संबंध, संपर्क सब सुखी हो जाए, इससे भारी वर्षा कोई हो सकता है क्या? तो बाबा के लिए कोई कम बात है क्या? लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुआ राज्य करते, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। तो बाप समझाते हैं, मेरी श्रीमत पर चलो। 21 जन्मों की बादशाही तब मिलेगी जब मेरी श्रीमत पर चलेंगे। मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहरमुखी मत बनो। अब इस समय है घोर
अंधियारा, इसको रात कहा जाता है। अभी सवेरा आ रहा है, कलयुग अंत को घोर अंधियारा, सत्युग आदि को घोर सोजरा कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि सभी मनुष्य पतित हैं। अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने आया हूँ। बिना सामने खड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी की पुन आत, इसलिए अब जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से वर्षा लो। जैसे सब ले रहे हैं, सब पुरुषार्थी हैं, अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाने हैं। वह है हम आत्माओं का घर निर्माण धाम, वाणी से परे निर्माण धाम। धाम में कोई एक नहीं रहते, कितनी जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सभी इस संसार में जो भी जीवात्माएं सभी शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर बाबा के पास। वह है निराकारी झाड़, जैसे चित्र में भी झाड़ दिखाया जाता है, वह है हम आत्माओं का घर शांति धाम। फिर हम आएंगे सुख धाम। अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, कलयुग के बाद सत्युग जरूर आएगा ना, द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े, जब तक नया मकान बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं ना, फिर जब नया मकान बन जाए फिर पुराने को तोड़ा जाता है। यह भी पुरानी चीज़ है ना, ये सारी पुरानी दुनिया है, इनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, आत्मा ही समझती है, जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा सीखती है ना। आत्मा कहती है, मैं प्रिंसिपल हूँ, सर्जन हूँ। आत्मा की नॉलेज ना होने के कारण देह अभिमानी हो जाते हैं, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। तुम बच्चे समझते हो, शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ फिर नया जाकर लेंगी, अभी हम श्याम हैं फिर सुंदर बनेंगी। सुंदर से श्याम बनते हैं 84 जन्म लग जाते हैं, सुंदर से श्याम बनने में 84 जन्म और श्याम से सुंदर बनने में 1 जन्म। फिर बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाए, गोल्डन एज का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देगा ना। बाप तो ऊँचते ऊँच है, कहते हैं बच्चों के लिए बैकुंठ की सौगात लाए हैं, हथेली पर बहिष्त लाया हूँ। सेकंड में तुम साक्षात्कार कर लेते हो, कितनी ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, जरूर ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोतरे हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है, राजयोग सिखलाते हैं। निराकार कैसे सिखलाए, इसलिए ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको परम आत्मा सुप्रीम सोल कहते हैं। उन्हों की सारी महिमा है, ज्ञान का सागर, पतित पावन वह हैं। तो जरूर आना पड़े, तुमको भी मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते हैं। वह है बेहद का बाप, जिसको सभी भक्त बुलाते हैं। सभी भक्तों का बाप वह भगवान परम पिता परमात्मा, अगर उनको सर्वव्यापी कह देते तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। मनुष्य को भगवान
कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को ही दैवी गुणधारी मनुष्य कहा जाता है। वह है फर्स्ट प्रिंस, सभी उनको झूले में झुलाते हैं। शिव बाबा को कभी झुलाते नहीं होंगे क्योंकि वह कभी बच्चा बनता ही नहीं। यह तो साक्षात्कार कराते हैं समझाने के लिए, हम तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे, बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊंगा। बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया। मनुष्यों में कितनी अंधश्रद्धा है, जहाँ तहाँ माथा टेकते रहते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। नवरात्रियों में बहुत गुड़ियाएँ बनाएंगे, उनके ऑक्यूपेशन का किसी को भी पता नहीं है। चार छह भुजा वाली देवी थोड़ी होती है और फिर तलवार आदि दे देते हैं। देवताएं हिंसक थोड़ी होते हैं, शास्त्रवादियों ने उन्हें भी हिंसक बना दिया। नेपाल में भी काली को पूछते हैं, फिर ऐसे ही थोड़ी मम्मा ऐसी काली जीव वाली होगी। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन वासी, बस और कोई चीज ही नहीं। फिर 8-10 भुजा वाले कहाँ से आए? ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं पैसा कमाने के लिए। कुछ तो चाहिए ना, फिर किस्म किस्म के कारण तो चाहिए, फिर किस्म किस्म के चित्र बैठ बना देते हैं। वहाँ ही देखो सुंदर कृष्ण का मंदिर, वहाँ ही सांवरे कृष्ण का मंदिर। कारण तो चाहिए ना, ऐसा काला क्यों बनाया, सांवरा क्यों बनाया, सुंदर क्यों बनाया, कारण चाहिए। कितनी अंधश्रद्धा है। अब भक्ति मार्ग खत्म हो जाना है, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है, बाकी समय तो थोड़ा है। देख रहे हो समय कैसा चल रहा है, सबको मरना तो जरूर है। पुत्र पोतरे वारिस बनने नहीं हैं, वहाँ तुमको ज्ञान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमने राजा के लिए ये पुरुषार्थ किया था। वहाँ तो पवित्र सृष्टि चल पड़ती है, यहाँ तुम जानते हो कि बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार हैं। वहाँ ये पता नहीं रहेगा कि कौन से कर्म किए थे, कैसे बने, ये सब भूल जाता है। वहाँ पतित होते ही नहीं, जो पावन बनने के लिए गुरु करने की दरकार पड़े। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं। गुरु चाहिए सदगति के लिए तो वहाँ गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दुर्गति होती ही नहीं। तो गुरु चाहिए सदगति के लिए, वहाँ तो है ही सदगति, गुरु की दरकार ही नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देही अभिमान में ना रहो। मैं आत्मा अभी डॉक्टर के रूप में हूँ, मैं आत्मा मजिस्ट्रेट के रूप में हूँ, फिर ये शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूँगा। हम इस शरीर द्वारा पढ़ते हैं, आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है। यह समझने की बातें हैं, ना कि दंत कथाएं। बाप कहते हैं इस सारी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, अब जागो, नहीं तो भंभोर को आग लगने से के समय हाय हाय करेंगे, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। टाइम ही नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन ही नहीं होगी जो कुछ कर सकें। काल खा जाएगा, त्राही त्राही करके रह जाएंगे, सजाए भी बहुत खाएंगे। अभी हमें पापों का खाता खलास कर पुण्य के खाते को जमा करना है, नहीं सिर्फ 21 जन्मों के लिए जमा करना है। जमा होगा कैसे? जमा होगा बाप को याद करने से। पुराना खाता चुकतू हो जाना चाहिए। ज्ञान कितना सहज है, तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है,
जितना जो याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो अथाह कमाई करते हैं, अनगिनत। वहाँ कोई गिनती थोड़ी होती है। अभी झोपड़ियों में बैठे हैं, फिर महलों में बैठेंगे। फर्क तो रहता है ना झोपड़ी और महल में। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन हो जाएगी तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी की बात है ना, राजधानी की स्थापना हो जाएगी, फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया, फिर विनाश हो जाएगा। इसलिए अब गफलत नहीं करनी चाहिए, सवेरे उठकर याद में बैठ जाना चाहिए। जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा है, और फिर उतना ही ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। दिल दर्पण में देखना है, दिल दर्पण में देखना है मैं मालिक बना हूँ। लक्ष्मी मैं लाइक बना हूँ लक्ष्मी नारायण को वरने। हम बाबा मम्मा जैसी सर्विस करते हैं, किस्म किस्म के फूल हैं। ये बागवान बाबा का ह्यूमन गुलशन है। कहेंगे देखो कुमार का मनोहर कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, ये रतन ज्योति हैं। बाबा इस बगीचे को देखते, फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते हैं। बागवान जांच करते हैं फूलों की, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1-2 फूल कौन कौन हैं, ऐसा बनना चाहिए। 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना कोई कम बात थोड़ी है, अथा सुख है। विश्व का मालिक बनना है, ये स्कूल है। उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ ये रूहानी पढ़ाई करो, टीचर्स के साथ हमेशा मैनर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं स्कूल में तो अंधश्रद्धा की बात ही नहीं। हाँ, बाबा ने कहा टीचर्स के साथ हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं, ऑनेस्ट भी होते हैं स्कूल में, अंधश्रद्धा की बात नहीं। वहाँ बैरिस्ट्री पढ़ते, इंजीनियरिंग पढ़ते, यहाँ तुम राजधानी का राजा बनने के लिए पढ़ते हो। सन्यासी तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी हैं, बस खेल ही ख़त्म। तो बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। वहाँ भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यह भी गॉडली एजुकेशन की डिपार्टमेंट है। तुम बच्चे हो राज ऋषि, वह तो घर बार छोड़ देते हैं, तुम घर में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया है, जो बाप का बाप ही बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। ये रूहानी कॉलेज अथवा हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। घर घर में तुम ये हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल सकते हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। खर्चा नहीं है, केवल 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है, लेटे लेटे याद नहीं करना है, याद में दूसरे स्थान पर जरूर बैठना है। इसमें गफलत नहीं करनी, पुण्य का खाता जमा करना है। विशेष योग में बैठें, फ्रेश होकर के योग में बैठें, तब याद अच्छी ठहरेगी, लिंक बाबा से जुटा रहेगा।
सेकंड पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है, अंतर्मुखी होकर के रहना है। रूहानी पढ़ाई जरूर पढ़नी है, अंतर्मुखी होकर के रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। स्पष्टीकरण, ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है, चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषताएं स्वतः ही आ जाएंगी। एक के आगे बिंदी लगाते लगाते सर्व विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन, मनमना भाव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मनमना भाव की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। अव्यक्त इशारा, याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो, पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि वन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक याद को ही यथार्थ और शक्तिशाली कहा जाता है। ऐसे विधि पूर्वक याद को ही यथार्थ और शक्तिशाली याद कहा जाता है।